क्योंकि अभी वो टूटी थोड़ी ना है यार, फेंक कैसे देंगे। Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to yet another exciting video. तो आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है कि आज इस वीडियो में मैं ऐसे हील्स को ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ जो कि या तो बहुत पुरानी हो चुकी है या फिर जिनसे मैं बोर हो चुकी हूँ। सो इस वीडियो में मैंने ब्लैक हील्स ही सिलेक्ट करी है क्योंकि मैं चाहती हूँ इससे आप लोगों को भी हेल्प मिले, क्योंकि मेरे हिसाब से ब्लैक हील्स हर किसी के पास होती है यार। सो अगर आप लोगों के पास भी ऐसी हील्स है जिन्हें ना आप पहन सकते हो क्योंकि आप बोर हो चुके हो, ना आप फेंक सकते हो क्योंकि अभी वो टूटी थोड़ी ना है यार, फेंक कैसे देंगे। तो चलो आज आपको बढ़िया अफोर्डेबल आइडियाज बताती हूँ जिनसे आप उन बोरिंग हील्स को ट्रेंडी हील्स में बदल सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू दिस वीडियो। सो पहली फुटवेयर है ये ना मैंने ऑफिस में बहुत ज्यादा पहनी है और अब मैं बिल्कुल भी नहीं पहन के, आप देख सकते हो कैसे धूल जमी है इन फुटवेयर के ऊपर। उसके बाद है ये वाली फुटवेयर, ये मैं मॉडलिंग टाइम पे पहनती थी और काफ़ी टाइम से है मेरे पास और मैं इसलिए नहीं पहनती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और पहन पहन के मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ इनसे, तो आज इसको भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसके बाद है ये वाले पम्प्स, इनको भी मैंने ऑफिस वेयर के लिए लिया था बट क्योंकि अब मैं ऑफिस नहीं जाती तो ये मेरे लिए थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं पहनने के लिए, तो आज हम इनको भी स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वेट वाइप लेके सारे फुटवेयर्स को अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि ये काफ़ी टाइम से रखे हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो इसी वजह से अब मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया है और आप देख सकते हो ये काफ़ी ऑलरेडी अच्छे लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये फुटवेयर पे काम करेंगे और उनके लिए मैंने ये ग्लिटर्स लिए हैं, ये आपको अमेजोन पर 240 रुपीज़ के मिल जाएंगे और बहुत सारे ऑप्शन है तो आप काफ़ी चीज़ें और भी कर सकते हो। मैंने ये वाली बीट सेलेक्ट करी है ये वाले फुटवेयर्स को डेकोरेट करने के लिए, आप चाहें तो कोई और भी ले सकते हैं। सो अब मैं ये सारे ही बीड्स एक बोल में ट्रांसफर कर लूंगी ताकि उठाना थोड़ा आसान रहे। तो अब हम इन सभी बीड्स को फुटवेयर पे स्टिक करना शुरू करेंगे और स्टिक करने के लिए मैंने ये आईलैश ग्लू ले ली है और मैं इसको जगह जगह पे लगा दूंगी ताकि उसके बाद मैं फ्लावर को स्टिक कर सकूं। तो आईलैश ग्लू मैंने इसलिए ली है ताकि मैं बाद में इसको वार्म वाटर से जब क्लीन करूंगी तो मैं क्लीन भी कर सकती हूँ और दोबारा से अपने फुटवेयर नए भी डिजाइन कर सकती हूँ, तो इस वजह से मैंने इस आईलैश ग्लू का इस्तेमाल किया। अगर आपको परमानेंट काम करना है तो आप फेविस्टिक, आपको लग रहा होगा कि आईलैश ग्लू के व्हाइट मार्क्स दिखेंगे बाद में, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई। सारे ही बीट्स खत्म हो गए और लग भी गए हैं तो अब इसको सुखाने के लिए रख देंगे और शुरू करते हैं दूसरा फुटवेयर। उसके लिए मैं ये पॉम्पॉम ले रही हूँ, आपको लोकल मार्केट में ये 15 से 20 रुपए का पैकेट मिल जाएगा, नहीं तो आप अमेजोन से भी ले सकते हैं। अब मैं ग्लू को पूरी ही स्ट्रिप्स पे लगा दूंगी जहाँ पे आगे आगे लगाना है और इसको मैं सुखाने के लिए रख दूंगी दोनों को। और अब मैं देखूंगी कि मेरे पास कौन कौन से कलर के पॉम्पॉम है ताकि मैं एक पैटर्न बना सकूँ और उसी पैटर्न में मैं इनको स्टिक करूँगी। तो आपने देखा कि मेरे पास ये काउंट है और मैंने अब इसको एक पैटर्न बनाने का सोचा और पैटर्न बना है रेड पिंक और येलो का, तो मुझे लगता है ये काफ़ी सुंदर लगेगा और मैंने एक एक करके सारे ही पॉम्पॉम अपने फुटवेयर्स पे स्टिक कर दिए। तो सारे ही पॉम्पॉम फुटवेयर पे लग जाने के बाद अब बारी आती है बेल्ट की। तो क्योंकि अब मेरे पास सेम कलर के पॉम्पॉम नहीं बचे हैं तो मैं रैंडम कलर्स चूज करके तीन तीन का कॉम्बो बना रही हूँ और अब मैंने ग्लू लगा लिया है, ग्लू का थोड़ा सा सूख, मैं सूखने के लिए इसे छोड़ दूंगी। मीनवाइल सबसे पहले जो फुटवेयर तैयार करी थी वो एकदम रेडी हो चुकी है सूख के और आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी ट्रेंडी चल रही है आजकल। पॉल्स का काम तो कितना चल रहा है ये तो आपको पता ही है। सो हमारी पॉम पॉम फुटवेयर भी हो चुकी है एकदम रेडी और आप देख के मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वाले फुटवेयर कैसी लगी, मुझे तो ये अभी तक का बेस्ट क्रिएशन लगा। सो नेक्स्ट वाली जो ट्रिक है वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, वो जाली वाले स्टॉकिंग्स नहीं आते, जस्ट उनको कट कर लो सॉक्स की तरह जिससे कि आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो, बिल्कुल बूट्स का लुक देते हैं। तो ट्रस्ट मी गाइज ये हैक जरूर ट्राई करना। You guys liked it. If you did, please don't forget to give this video a big thumbs up and also like and share with your friends and family. और उनकी भी थोड़ी मदद कर दो यार। I will see you in my next video. Till then, bye bye and take care of your loved ones. Bye.